गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी AVL क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम NCERT क्लास 7th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 पर हैं, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जो हमारा इस स्टेटमेंट को ट्रू कर सके। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इसका देखा होगा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन या की पॉइंट्स इंटीजर चैप्टर के बताए हुए हैं, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस बताई थी इंटीजर्स को रिलेटेड। ठीक है, तो उन्हीं को फॉलो करना है हमें यहाँ पर। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ आपको, वहाँ पर हमने एक इस टाइप से कंडीशन बताई थी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इन कंडीशंस का यूज होना है इसमें, इसमें और इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है -5 प्लस ब्लैंक है -8 प्लस ब्लैंक है। तो अगर मैं यहाँ पर -8 लिख दूँ और यहाँ पर मैं सीधा -5 लिख दूँ, तो क्या होगा? देखो, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यही हुआ है। देखो, ए यहाँ पर -5 है, बी यहाँ पर -8 है, तो यहाँ पर बी हमारा पहले आ गया और ए हमारा बाद में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा? -8, दूसरे में आ जाएगा यहाँ पर -5। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड, -53 प्लस, क्या करें कि -53 ही मिले, यानी कि जितने पैसे हमारे पास हैं उसमें कितने और पैसे मिलाएं हम कि उतने ही रहें, तो यानी कि 0। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो हमें कोई पैसा किसी को ना तो दें और ना कहीं से लें, तो हमारे पास 100 ही रुपये रहेंगे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 0 लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -5, तो यहाँ पर मैंने आंसर में 0 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 17 प्लस, क्या करें कि 0 मिल जाए, यानी कि अब हमारे पास 100 रुपये हैं, अब हमारे पास 0 कब बच सकते हैं? जब हम 100 के 100 दे दें। ठीक है, तो यानी कि 17 और -17 अगर हम उसमें ऐड कर दें तो वी गेट 0। ठीक है, तो ऐसे ही आपका हो गया 17 प्लस में -17, वी गेट 0। ठीक है, आगे आते हैं फोर्थ में, 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इक्वल्स टू ब्लैंक ब्रैकेट में -12 प्लस -7। ठीक है, अब जैसे मैंने कंडीशन बताई थी वही कंडीशन यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। क्या मैंने कंडीशन बताई थी आपको? ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, 13 प्लस -12 प्लस सी क्या है यहाँ पर? सी है -7। अगर आप कंपेयर करें, देखो, ए की जगह पर ये लिखा हुआ है, बी की जगह पर ये लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पर देखें आप, बी की जगह पर यही लिखा हुआ है -12, तो सी की जगह पे क्या है? -7। तो बस सी की जगह पे आपको उठा के -7 पुट करना है, और यहाँ पर ए की जगह पर क्या है आपका? 13, तो यहाँ पर 13 पुट कर देना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास वही हो जाएगा। देखो, यहाँ पर -7 है और यहाँ पर प्लस के 13 है। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट वन देखते हैं, -4 प्लस ब्रैकेट में ब्लैंक प्लस -3 ब्रैकेट में ब्लैंक प्लस 15 प्लस फिर ब्लैंक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी कंडीशन लगी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी और फिर प्लस में सी है। कंपेयर करते हैं। ठीक है, ए की जगह पे क्या है? -4 है। बी की जगह पर हमें नहीं पता यहाँ पर क्या आना है, सी की जगह पर -3 है। ठीक है, ये हो गया आपके लेफ्ट हैंड साइड कंडीशन। राइट हैंड पे देखते हैं, ए की जगह पर यहाँ पर ब्लैंक है लेकिन यहाँ पर क्या है? -4, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -4। ठीक है, वी की जगह पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 15, यहाँ पर ब्लैंक था तो बस यहाँ पर उठा के आपको 15 रख देना है। सी की जगह पर क्या है? -3। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी की जगह क्या है? ब्लैंक है, तो इसलिए यहाँ पर -3 लिखें। तो एक जगह हमने क्या लिखा है? -4, एक जगह हमने लिखा है 15 और एक जगह पे हमने लिखा है -3। ठीक है, तो
आई होप स्टूडेंट्स आपको इन कंडीशंस के थ्रू ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। चलिए थैंक यू। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको मैं दोबारा से बता दूंगा आपको, ठीक है। जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चा पार्टी।